हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। सफलता दे रुखी तुहाडा सारे दा निघा स्वागत है। अगर आज दे इस सैशन की गल करिए, इस सैशन आप डिस्कस करांगे कि उत्तराखंड दे विच जिहड़ी एक टनल कलैप्स हुई है, उस टनल कलैप्स दे होने के पिछे रीज़न की सी। रीज़न के नाल नाल आपां बाकी कुछ अजिहियां चीज़ां भी डिस्कस कर लेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इंपोर्टेंट है। तो आप सारा का सारा वेरवा जिहड़ा लैके वो सारा सारा थोड़े नाल डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो आज दे सैशन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं सब तो पहला न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू नाल गल करा, तो न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू नाल जो चीज़ अपने सामने आई है वह की आई है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट से या एक टनल से जिन्हों कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो की हो चुकी है, कलैप्स हो चुकी है। तो वो जी जी टनल से टनल है कितने, तो अपने को आऊगा यमुनाहोत्री नैशनल हाईवे की गल करा। तो इस हाईवे के उत्ते उत्तराखंड के विच टनल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो क्योंकि यह कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिदे करके थोड़ी जी कलैप्स हो गई कुछ वजावं करके, तो वो करके अंदर कुछ लोग से 40 के समथिंग, ठीक है 40 पीपल से जोड़े वो अंडर फस चुके ने इस टनल के उत्ते। हुण तक अगर आप देखा जाए इस टनल के बारे आपां नूं की कुछ पता है, किन्नी नॉलेज है इस टनल के बारे आपां नूं, कि टनल कित्थे है, टनल क्यों बनाई जा रही है, की वजावां ने, वो सारे सारे आपां देखांगे डिस्कस करांगे। हुण देखिए, अगर देखा जाए टनल की गल की जाए तो टनल है कित्थे, कि बन कित्थे रही सी। तो अगर मैं गल करा तो अपने को एक जगह आजूगी, अपने को राज्य की गल करा, उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य के विच उत्तरकाशी ते यमुनाहोत्री का जिहड़ा आह लिंक है, इस लिंक के की बन रही है, टनल नू बनाया जा रहा है इस लिंक के उत्ते। जिमें कि अगर मैं इतों की लैके आस डिस्टेंस की गल करा, यह पूरी की पूरी टनल है जी अपनी किन्नी दी है, 4.5 किलोमीटर की यह टनल है जी कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इस टनल नू किस नाम ना जाने जा रहा, तो अपने को सिलक्यारा टनल के नाम नाल इसनू जाने जाता है। वो पिछे रीज़न की है, वह नैक्सट स्लाइड के भी थोड़ा क्लीयर होजूगा सारे का सारा। ओके, हुण इस टनल की गल करें आप सिलक्यारा टनल की, जो उत्तरकाशी ते यमुनाहोत्री रोड के उत्ते इनू कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। हुण ये जिहड़ी सारी दी सारी टनल है, इदां नहीं है इकलौती टनल है या इकलौता है हाईवे है जिहड़ा बनाया जा रहा है, इस तो सिवा होर भी बथेरे है जी हाईवे है जिहड़े उत्तराखंड के विच बनाए जा रहे हैं। हुण हाईवे बनाने के पिछे रीज़न की है, तो 2016 के विच एक प्रोजैक्ट स्टार्ट होया सी, वो प्रोजैक्ट का की नाम से, तो अपने को आजूगा चार धाम ऑल वैदर रोड प्रोजैक्ट, ठीक है, जां चार धाम प्रोजैक्ट भी नाम के नाल इनू जाने जाता है। हुण चार धाम प्रोजैक्ट की गल करना, तो चार धाम प्रोजैक्ट के विच उन्हां दा मेन पॉइंट की है कि जिहड़ी कनैक्टिविटी है वो सारी की सारी पूरी की पूरी कनैक्टिविटी रहे, मतलब ऑल वैदर के विच, चाहे कोई भी वैदर होवे, चाहे कह जा भी सीजन होवे, मतलब उत्थे कनैक्टिविटी सही चाहिए, मतलब रोड जिहड़ियां बिल्कुल सही कंस्ट्रक्ट होण, जिहदे करके इनू बनाया गया। हुण जिहड़ी टनल कलैप्स हुई है, वो कलैप्स किहड़ी जगह पर हुई है, जिमें कि आप हुणी डिस्कस किया सी। तो अगर आप एक एंड की गल करिए, एक एंड की गल करिए, एक एंड नू की कहा जाता सिलक्यारा कहा जाता, दूजे एंड नू की कहा जाता डंडल गाँव कहा जाता। यह दोनों पॉइंट उही पॉइंट ने जिहड़े आप पिछे जिहड़े डिस्कस किए सी, किहड़ियां दो जगहां डिस्कस कीतियां सी, तो अपने कोल की आजूगा, एक जगह अपने कोल किहड़ी सी, इह अपने कोल उत्तरकाशी सी, इह अपने कोल किहड़ी सी यमुनोत्री, जिस हाईवे ते इहनू बनाया जा रहा है। हुण उह तों थोड़ा होर अगर आप होर अंदर चलीए, होर डीप चलीए, तो अपने कोल इह दो जगहां आ जांदियां, जिहदे करके इहदा नाम की रखा गया, सिलक्यारा टनल रखा गया है। सिलक्यारा टनल तो डंडल गाँव के आह जिहड़ा डिस्टेंस है, इस स्ट्रेच अपने को किन्नी है, 4.5 किलोमीटर की आप गल कर रहे हैं। हुण यह पूरी की पूरी अगर मैं टनल की गल करा, जी कंस्ट्रक्ट हो रही है, यह जी टनल है अपने को 4.5 किलोमीटर की है, इस एंड तो गल करा, अगर मैं सिर्फ तो सिर्फ इस एंड तो गल करा, तो मैनू की पता चलता, मैनू यह पता चलता है कि 2.34 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इस एंड तो गल करा, तो इस एंड तो मैनू की पता चलता है कि 1.75 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हजे बिच कुछ एडना का स्ट्रैच है जिदे उत्ते काम चल रहा है, जिदे उत्ते काम चल रहा है। लेकिन जिहड़ी कंस्ट्रक्शन जिहड़ी अपनी टनल कलैप्स हुई है जां टुट्टी है, वह कित्थे टुट्टी है, तो अपने कोल की आजूगा, इस एंड की गल कर रहा मैं सिलक्यारा एंड की, इस एंड तो कुछ मीटर ही अगे जाना, ज़्यादा किलोमीटर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना, कुछ मीटर मतलब 250-300 मीटर, मतलब ये स्टार्टिंग तो ही इस एंड तो आवला एक रीजन आ जाता जिथे की हो चुकी है, टनल कलैप्स हो चुकी है, जिथे टनल कलैप्स हो चुकी है, जिहदे करके जिहड़े परसन इस एरिए दे विच फसे हुए सीगे, जिहड़े लोग उरे काम कर रहे सी, वह सारे इधर ही रह गए, इधर भी ब्लॉकेज है तो उरे भी हुण ब्लॉकेज होगी, जिहड़े वो विच फसे हुए ने ए वाले रीजन दे विच फसे हुए ने।
अगर मैं चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट की गल करा तो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट अगर देखा जाए उत्तराखंड के तत् चार मेन धाम ने जोड़े बहुत ज़्यादा फेमस ने, बहुत ज़्यादा यह जे मतलब टूरिस्ट ने, बहुत ज़्यादा यह जे तीर्थी ने जोड़े उत्थे जाते रहते हैं, ठीक है, जिदे करके ऑल वैदर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। वह चार धाम कि ने तो अपने को आजगा बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, तो यमुनोत्री हो गया। चार अपने को धाम ने जोड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस ने। तो इन चार धामों मतलब आह जे अपने को हाईवे कंसट्रक्ट किया जा रहा है। हूँ जिहड़ा सारा हाईवे है ऑल दो ये कुछ स्पेंडिंग हुई है, पैसा लगे क्योंकि बहुत वड्डा प्रोजेक्ट है, लेकिन यह जिहड़ा पैसा लगे इतों मतलब रिटर्न भी आऊगा जिदे करके प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं। उन्हें प्रोजेक्ट पूरे की गल करिए अपने को होर डिटेल द चीज़ा भी आ जाती है, ठीक है। आ सारी की सारी अपने को चीज़ ने वह डिस्टेंस ने जोड़े कवर होने ने या उस डिस्टेंस ने जोड़े मतलब बनाए जा रहे हैं, मतलब पूरे के जोड़े चार ए सी अपने को यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार की आप गल कर रहे हैं। तो इन्हों छे अलग अलग हिस्सों के डिवाइड कर दिया गया भी अन्य अन्य किलोमीटर के अलग अलग अपने को है डिस्टेंस ने जिन्होंने कंप्लीट किया जाऊगा। अगर मैं टोटल प्रोजेक्ट की गल करा तो टोटल प्रोजेक्ट इन किलोमीटर अपने को अराउंड 800 तो लैके 900 किलोमीटर, मैं 850 ही लिख दिना, 850 किलोमीटर तक का कुछ ऐ जहाँ डिस्टेंस है जो अपने को आ जाता है, 825 किलोमीटर ऑन रोड। तो 825 किलोमीटर चो अगर देखा जाए तो 50% जो वर्क है कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये हाईवे बन चुके है। तो पूरे हाईवे के बनने लिए जो अपने को प्राइस सीगा जा कोस्ट सी जो प्रोजेक्ट की गई सी कि 12,000 करोड़, कि 12,000 करोड़ तक की जी कोस्ट है वो इतने लगेगी पूरे पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने दे लई। नैक्सट अगर देखा जाए हूँ तक अगर आप गल करिए जेड़े भी अपने यह कलैप्स हुई है, जेड़े लोग फसे हुए ने वो फसन के लिए उन्होंने उतों रेस्क्यू करने लिए, उतों उन्होंने बाहर कढ़ने लिए केड़िया-केड़िया ऐसियां ऑर्गनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने, संस्थावान ने जिहड़ियां आईया ने हेल्प करने लिए। तो अगर नैशनल पॉइंट ऑफ व्यू की गल करिए अपने को आजगा नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स NDRF, अगर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू की गल करिए अपने को आजगा SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, दोनों हेल्प कर रहे हैं ताकि उत्थे जेड़े मतलब अपने फसे हुए लोग ने उन्होंने बाहर कर दिया जाए। इन्होंने नाल उत्तर स्टेट की पुलिस भी है जी मिलकर लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप उन्होंने उत्थों की बाहर कर दिए सेफली, आप उत्थों की बाहर कर दिए। हूँ तक आप पता है लेबर्स जी उत्थे काम कर रहे, जेड़े लोग उत्थे काम कर रहे उन्हां बारे आपां नूं हुण तक दा की पता है। अगर देखा जाए उत्थे जेड़े लेबर्स काम कर रहे अलग अलग राज्यों तो, इदां नहीं है वी उत्तराखंड दे विच एक टनल बन रही सिर्फ तो सिर्फ उत्थे उत्तराखंड दे ही लोग काम कर रहे सी, नहीं, अलग अलग राज्यों तो, जिवें कि अगर देखा जाए बिहार हो गया, UP हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन ऐसे कुछ जगहां सी जिथों सारे लोग आके काम कर रहे ने, ठीक है। इदां नहीं है वी सिर्फ प्रदेश के लोग फसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों के उद्दे लोग फसे हुए हैं। तो वो लोगों की अगर करंट कंडीशन की गल करिए उतों की कंडीशन की है, अगर देखा जाए जो वॉकी टोकी के द्वारा गल की गई है तो यह पता चलिया कि सारे सेफ ने, किसी को कोई भी हार्म नहीं होया, सारे सुरक्षित ने। तो उन्होंने मतलब खाण पीन समान भी भिजवाया जा रहा है, जोड़ा खाण पीन समान भिजवाया जा रहा वो एक मतलब कंप्रैशन पाइप है जिन्होंने डैमेज नहीं हुई, ठीक है, जिदे थ्रू समान अंदर भिजवाया जा रहा, तो अंदरों कलैक्ट कर रहे, तो मतलब सारे इस वक्त उत्थे सेफ ने। हुण तक अगर देखा जाए किन्ना डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं जिदे विच आपां मतलब जिहड़ियां चीज़ां सी उन्हां नूं चक चुके हैं, जिहड़ी अपने कोल डीबरी सी जां जिहड़ा कचरा तां नहीं कहूगा जिहड़ा मलबा इकट्ठा हो चुक्या सी, उह किन्ना आपां साफ कर लिया ते किन्ना होर साफ करना। अगर पूरा दी गल करिए जिहड़ी कंस्ट्रक्शन एक कलैप्स हुई सी, जिहड़ी टनल कलैप्स हुई सी, अपने कोल घट्टो घट 50 मीटर तक दी उह जिहड़ी कंस्ट्रक्शन दा एरिया सी जिहड़ा कलैप्स होया सी, अराउंड 50 मीटर दा दस्सिया जा रहा है। 50 मीटर तो अगर देखा जाए 20 मीटर तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुक्या, मतलब ऑलरेडी मलबा चक के या डीबरी चक के आप सैड कर चुके हैं, तो हौली हौली आप अगे बढ़ते हैं। तो बचा जिहड़ा अपने को 30 किलोमीटर अराउंड 30-35 किलोमीटर जिहड़ा बचा हुआ उहदे उत्ते काम चल रहा है, उन्होंने भी जल्दी तो जल्दी सैड करके जिहड़े सारे रेस्क्यू ने उन्होंने बाहर कढ़ दिता जाऊगा। होया कि कुछ ऐसा वजावं सगियां जिदे करके टनल कलैप्स हो गई है। देखा जाए हुण तक अपने को दो कुछ थ्यूरी सामने आई हैं जी तो यह पता चलिया कि टनल कलैप्स हुई सी। जो देखा जाए कि टनल बना रहे थे तो उस टाइम कोई ऐ जी एक सॉलिड रॉक सी, ठीक है, सॉलिड का मतलब जिन्हों बहुत ही ज़्यादा सॉलिड से जिन्हों मतलब
अगर देखा जाए आप जो ड्रिलिंग करते रहे ड्रिलिंग करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो जो कुछ ए जहाँ एक रोक से सॉलिड रोक सी ठीक है जो इन्होंने मतलब ड्रिलिंग करती सी ओवला एरिया करता से तो उस टाइम उस रोक के थोड़े कुछ क्रैकिस आ गए क्रैक्स आ गए ठीक है त्रेड़ा आ गई उस रोड के क्योंकि वह रोक सॉलिड सी रोक बहुत ज़्यादा वड्डी सी त्रेड़ा उस टाइम दिखिया नहीं बहुत माइन्यूट सगिया बहुत छोटिया सी पता नहीं चलिया ठीक है तो करके वह की हो गया एकदम उसे इफेक्ट पे लोड पे तो सारी की सारी की हो चुकी है कलैप्स हो चुकी सी ठीक है जो 200 एंड 300 मीटर दे विसी सिल्कियारा एंड तो ही गल करे जो फिजिबल नहीं सी जिदे करके की हो गया ये सारी सारी क्रैप्स हो चुकी सी। दूजा रीज़न ये भी मनिया जा रहा है कि जी रोक के हल्की जी कुछ ट्रेड सी क्योंकि रोक है पहाड़ी है कितना कि थोड़ा बहुत गैप तो होगा तो वो कोई ना कोई बै गैप के अपने को पानी उत्थे एंटर करता रहा पानी एंटर करता गया अलग अलग जगहों के जिदे करके की हो गया उत्थों के जोड़े पत्थर से रोक से कमजोर हो गई तो सारी सारी टुट गई क्योंकि हजे सारी द सारे की ने थ्यूरीज ने तो इन्होंने बारे आने वाले टाइम के ही प्रोपर सारा कुछ आपू पता चलूगा। ओके हुण केड़े केड़े मैथड ने जिदे नाल आपां जिहड़े उत्थे फसे हुए लोग ने उन्हां नूं बाहर कर सकदे हां तां आपणे कोल मेनली दो मैथड आ जांदे जिहदे करके आपां उन्हां नूं बाहर कर सकदे हां। पहले मैथड की गल करिए तां पहला आपणे कोल की आ जांदा पहला आपणे कोल आ जांदा DBM ड्रिल एंड ब्लास्ट मैथड पहला अपने को आता ड्रिल एंड ब्लास्ट मैथड। हूँ ड्रिल एंड ब्लास्ट मैथड की गल करिए ड्रिल एंड ब्लास्ट मैथड की होंगे कि आपने की किया एक रोक के हल्की जी इन्नी ड्रिल कर ली ड्रिल करने तो बाद उन्होंने की कहना डायनामिट या कुछ ऐसा जहाँ ब्लास्टिक सबस्टांस पा देना जो कि करे वो ब्लास्ट करे तो हौली हौली मतलब इदा की होंगे हौली हौली गैप बनता रहता हौली हौली आप ड्रिलिंग कर सकते हैं या हौली हौली आप अगे जा सकते हैं एक मैथड यह है। दूजा मैथड अपने को आता TBM अपने को टनल बोरिंग मशीन होंगे टनल बोरिंग मशीन जोड़ी बहुत ज़्यादा वड्डी मशीन होंगी है मतलब वो सर्कुलर ही होंगी है जो हौली हौली अगे चलती रहती है हौली हौली ड्रिलिंग करती रहती है और टनल बोरिंग मशीन की कोस की गल करिए बहुत ही ज़्यादा कोस होंगी है तो वो अगर आप साइज की गल करिए अपने को 100 मीटर तो लैके 1000 मीटर तो लैके 7000 मीटर तक तो वह डायमीटर होंगे ठीक है जिदे करके कोस नहीं जाती तो हौली हौली मतलब वो अगे चलती रहती है डिबरी साइड करती रहती है तो यह कुछ दो मैथड ने जिन्हों की हैल्प लै सकते आप जो उत्थे फसे लोग ने उन्होंने बाहर क्ढ ली। दोनों मैथड का देखो परपस अलग है दोनों मैथड अलग अलग तरीके काम करते हैं कि जगह पर आपा मैथड यूज़ करते हैं तो कि जगह पर आपा मैथड यूज़ नहीं कर सकते तो वो अगर आप देखा जाए जो TBM अपने को टनल बोरिंग मशीन है वो हर जगह पर आप यूज़ नहीं कर सकते। टनल बोरिंग मशीन की गल करिए जिड़िया कुछ ऐसा व्डिया पहाड़ियाँ ने उत्थे टनल बोरिंग मशीन यूज़ नहीं होंगी क्यों क्योंकि आपने लैट से आपने की करता उरे आपने टनल बोरिंग मशीन लैके सारी की सारी आप ड्रिलिंग करती हूँ क्योंकि टनल बोरिंग मशीन हौली हौली अगे चलती रहती है वो नहीं देखती चाहे कोई फ्रजाइल मटीर रोक आई है कि नहीं आई मतलब सोली रोक आई है कि नहीं आई या कुछ नहीं है प्लस उस तो बाद अगर आप देखा जाए क्योंकि इतने सारा सारा खाली हो जाता तो उपरों ज़्यादा जी कंसनट्रेशन आ जाती है जिदे करके मतलब डर रहा जाता है कि यह सारी सारी जी रोक है माउंटेन आ सारी सारी की हो जूगी कलैप्स हो सकती है जिदे करके जिहड़ियां वड्डियां पहाड़ियां हुंदियां उहदे विच ड्रिल एंड ब्लास्टिंग मैथड यूज़ किया जाता रादर दैन टनल बोरिंग मैथड सॉरी टरिंग बोरिंग मैथड की गल करिए जिवें कि दिल्ली दे विच जिहड़ी मैट्रो बनी सी वह किहदे द्वारा बनाई गई सी टर्निंग बोरिंग मैथड के द्वारा बनाई गई सी वह वाली ठीक है ऐ जी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं जिथे अपने को मतलब उपर ज़्यादा कुछ नहीं है ज़्यादा वड्डी चीज़ नहीं है अपने को उपर कंसट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। हाँ हुण अगर देखा जाए यह अपनी कलैप्स हुई है तो कलैप्स होने के कारण बहुत सारी दिक्कत आ सकती है कि सारिया ही पहाड़ियाँ जिहड़ियां अपने इंडिया दे विच ने उहदे विच यह दिक्कत है या हिमालयास दा जिहड़ा यह रीजन है उहदे विच यह दिक्कत है कि यह सारे दे विच है या किस कोई कोई जगह अगर आप देखा जाए हिमालयास की गल करिए हिमालयास नूं हजे भी आप यंग माउंटेन कहने क्योंकि हौली हौली उहदा साइज़ वधदा रहिंदा दोनों जिहड़ी अपने को टैक्टोनिक प्लेट्स ने उहनां दे विच अपनी जिहड़ी आप की करिए कि वह हुंदी रहिंदी है कोलिजन हुंदी रहिंदी जिदे करके वो हौली हौली वधदे रहिंदे है तो उहदे करके इहनूं हजे भी मतलब आप यंग माउंटेन कहा जाता है ऑल तो यह 40-50 साल पुरानी है। हुण अगर देखा जाए जिहड़ी अपने को
कोई भी माउंटेन है, कोई भी माउंटेन के थोड़ू हर टाइप की रॉक मिलेगी फोर मतलब की है, मतलब ये है कि उत्थे मतलब सॉफ्ट रॉक्स भी होंगे, उत्थे टोटल फ्रजाइल रॉक भी होंगे या सॉलिड रॉक भी होंगे, ठीक है। लेकिन यदा मतलब यही नहीं है कि सॉलिड रॉक के सुरंग नहीं बना सकते या उसको ड्रिल नहीं कर सकते या वो वाली जगह के काम नहीं कर सकते। हर चीज़ के प्रॉपर मैथड ने, प्रॉपर तरीके ने, तरीकों काम कर सकते हो तो उन्होंने कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर सेफ्टी अगर काम करो तो सारी चीज़ा कंप्लीट हो जाएगी। ये इन्ना फर्क नहीं पैंदा भी कह जी वह माउंटेन है या कह जाओ टर्न है या कह जाओ एरिया है। अगर तुसी टनल बनानी है तो थोड़े मेन एस्पेक्ट्स की होने चाहिए भी कि ऐसी चीज़ें जिसे तुसी खास ध्यान रख सकते हो। तो जो भी देखो टनल बनाई जाती है तो सब तो पहला उतों की जी रोक है उन्होंने चैक किया जाता है भी वह रोक उत्थे उस टनल सॉरी माउंटेन के कह जी रोक है। सब तो पहला उन्होंने चैक किया जाता, तो उन्होंने किमें चैक किया जाता है, सिस्मिक रिफ्रैक्शन वेव है जिहड़ियां भेजिया जांदियां। सिस्मिक रिफ्रैक्शन वेव की करती है, जिथे कोई उन्होंने सॉलिड चीज देखी उतों वापस रिफ्रैक्ट होकर चलते रहेंदे जिदे करके उन्होंने रिफ्रैक्शन ही कहा गया। इहदे द्वारा यह पता चल जाता है कि आपां नूं किन्ने डिस्टेंस से फ्रजाइल रॉक मिलेगी या किन्ने डिस्टेंस से फ्रजाइल रॉक नहीं मिलेगी या माउंटेन के बारे ये सारी आपां नूं चीज़ां पता चल जाएँ भी उत्थे कह जी रॉक है भी चीज़ कह जी है भी आपां उत्थे काम कर सकते या नहीं कर सकते। दूजा मैथड जिहड़ा इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा यूज किया जाता वह मैथड अपने कोल की आ जाता है अपने कोल पेट्रोग्राफिक एनालिसिस। हुण पेट्रोग्राफिक एनालिसिस की है, जिहदे विच आपां की करदे आपां ड्रिल करदे आ माउंटेन नूं, ड्रिल करन तों बाद माउंटेन दे विचों जिहड़े आपां थोड़े पीस मिले जां जो भी आपां नूं सैंपल मिले उहनूं आपां स्टडी लई भेजांगे। उह सैंपल पूरी हिस्टरी ज्योग्राफी कढ दिंदा है, ठीक है, उस रॉक की कहने का मतलब की है माइक्रोस्कोपिक लैवल से उन्होंने देखा जाता है, और देखा जाता मिनरल कैसे ने, ग्रेन साइज कह जाए, टैक्सचर कह जाए, होर जिन्हें भी फीचर है वो सारे निकल जाते हैं। तो मेनली यह मैथड है जिहड़ा इंडिया दे विच किया जाता है, जिहदे करके उन्होंने पता चल जाता है भी यह जिहड़ी पहाड़ी है इहदे विच कहो जी रॉक मिल सकती है या किस तरीके नाल आपां इहदे विच काम कर सकते हाँ। कि मैथड आप यूज कर सकते हैं जिदे आप जी टनल है उन्होंने सेफली बना सकी वधिया तरीके टनल के उत्ते काम कर सकी। अगर सब तो पहले मैथड की गल करिए तो सब तो पहला मैथड तो अपने को बेसिक ही आ जाता कि आप चैक करने कि माउंटेन सही है कि नहीं है, वो चीज़ा सही हो रही है कि नहीं हो रही, पूरा का पूरा काम है वह बिल्कुल सही हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। जी उत्थे रोक है वो ज़्यादा सॉलिड तो नहीं हैगी, ज़्यादा फ्रजाइल तो नहीं हैगी, सारी दारिया चीज़ें थोड़ू चैक करनिया पैनगियां, मोनीटर करनिया पैनगियां, स्ट्रैस मीटर के द्वारा, डीफॉर्मेशन मीटर के द्वारा, ये सारी चीज़ा ही चैक कर पैनगियां। उस तो बाद होप तुसी टनल ने बनानी शुरू करती, तो टनल बनाने तो बाद आपां की करते हैं सपोर्ट दिने रहने टनल नूं, ठीक है। तो वह सपोर्ट देनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अलग अलग टाइप की सपोर्ट आ जाती है जिन्हों आप शॉर्ट क्रेट भी कह रहे हैं, रोक बोल्ट कह रहे हैं, स्टील रिप्स या बीम्स भी कह रहे हैं, जिदे द्वारा यह सारी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कदे कदे की होंगे सपोर्ट नूं जल्दी रिमूव कर दिया जाता है, तो वह भी एक रीज़न हो सकता है भी कलैप्स इस करके होगी कि सपोर्ट नूं जल्दी आपने रिमूव कर दिता है। होर की हो सकता है, सब तो इंपोर्टेंट एक होर चीज़ हो सकती है कि एक प्रॉपर स्पैशलिस्ट बुलाया जाए, जियोलॉजिस्ट बुलाया जाए जो कि करेगा वह पूरी रोक नूं चंगी तरह एग्जामिन करेगा, टाइम टू टाइम थोड़े नाल रहेगा, रोक बारे दसदा रहेगा भी कि रोक मूव कर सकती है कि जरा होर ध्यान दे सकते हो, जी तो आपां आइडिया हो सकता है भी आप इत्थे किन्नी देर काम करना या किन्नी देर इन सपोर्ट देनी है, वह सारी चीज़ आपां नूं प्रॉपर एक जियोलॉजिस्ट दस सकता है उस रोक के बारे, ताकि आपां कोई भी फेलियर होने तो रोक सकी। ईवन के फ्यूचर दे विच आन वाली चीज़ां नूं भी वह पहला ही थोड़ा थ्रैटिकल वे ना समझा सकता है। हुण इंडिया दे विच जिवें इह कलैप्स हुई है, तो इस तो बाद हुण इदां नहीं है भी आप टनल दे उत्ते इकदम काम शुरू कर देंगे, तो हुण आपां नूं एक पूरी इंस्पैक्शन करनी पैनी जिन्ना भी काम हुण तक आपां ने कीता है इस टनल नूं बनाने लई, तो उहदे विच आपां सारी ही चीज़ां नूं चैक करांगे, हर एक चीज़ चैक करांगे भी कितें कोई होर लूप होल तो नहीं है, कितें कोई होर क्रैकड रोक तो नहीं है जो अगे जाके प्रॉब्लम दे सकती है, तो सारिया ही चीज़ां नूं चैक करन तो बाद इहते काम दुबारे शुरू किया जाऊगा, तो वह सारे ही मतलब जिहड़े अपने फसे हुए लोग ने उन्होंने उतों जल्दी ही बाहर कर दिता जाऊगा। जिवें कि तुसी ऑलरेडी न्यूज़ दे विच देख ही रहोगे कि बहुत सारे जिहड़े काम किए जा रहे उतों के सीएम द्वारा मतलब धम्मी साहब द्वारा, ठीक है, तो जल्द ही मतलब उतों उन्होंने जल्दी ही रेस्क्यू किया जाऊगा। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टूडे, ठीक है, अज के सैशन के अन्ना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट, जय हिंद।